दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो आप इससे माला माल हो सकते हैं, लाखों रुपए घर बैठे बहुत आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना है, दोस्तों ब्रांडिंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे बनाना है, बच्चों का रख रखाव कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सिखा देंगे, 40 दिन में आप पोल्ट्री फार्मिंग करना सीख जाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, AK पोल्ट्री कोचिंग मेरा चैनल, और मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चे आए हैं, और दोस्तों फर्स्ट डे बच्चों का रख रखाव कैसे किया जाता है। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में नए हैं, तो आप जब पहले दिन बच्चे आते हैं, तो उनको कौन सी दवा देंगे, और सबसे पहली बार उनको कैसे दाना दिया जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, अगर आपको जानकारी है, तो आप भी पोल्ट्री फार्मिंग से घर बैठे 4,000-5,000 बच्चे पालकर लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं कमा रहा हूँ, 7 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ, और आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देने के लिए ये चैनल बनाया हुआ हूँ। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना है, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिएगा। जितना वीडियो डालता हूँ दोस्तों, देखते रहिएगा, मात्र 40 दिन में आप पोल्ट्री फार्मिंग करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर में, दिखाते हैं आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चे अभी आए हैं, उतर रहे हैं। दोस्तों, क्या क्या होता है, बच्चों की गिनती कैसे होती है, बच्चों की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, अगर ठंडी है तो कैसे व्यवस्था की जाती है, अगर गर्मी है तो क्या व्यवस्था करना है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग सीखना है, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर में और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चों की अनलोडिंग हो रही है, बच्चे आ चुके हैं। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म पर चिक्स आने से और पोल्ट्री फार्म से चिक्स जाने तक क्या क्या व्यवस्था की जाती है, अगर आप ठंडी में पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो कैसे करना है, अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो क्या व्यवस्था करना है, पोल्ट्री फार्म पर चिक्स आने के बाद पहली बार उनको क्या दिया जाता है, कौन सी दवा कब लगाई जाती है, हर जानकारी आपको मिलेगी। आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, मैं पोल्ट्री फार्मिंग करना आपको 40 दिन में सिखा दूंगा, और आप बहुत ही आसानी से पोल्ट्री फार्मिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगभग बच्चों की अनलोडिंग हो चुकी है, और ये देखिए दोस्तों कैसे इसको सेट किया जा रहा है। दोस्तों, गिनती करना पड़ता है, और एक डब्बे में 68 बच्चे होते हैं। जो पोल्ट्री फार्मिंग करता है, उसको बहुत आसानी से पता होगा ये बात। अगर आपको दोस्तों नहीं पता है, तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे तो आप जान जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम, पोल्ट्री फार्म पर बच्चे आए, अनलोडिंग हो जाए, दोस्तों आपको एक एक बच्चा गिन कर लेना है। नहीं दोस्तों, अगर बच्चा कम पड़ता है लोडिंग के समय, तो आपका पेमेंट कटेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं भी नहीं गिनता था, लेकिन एक बार मेरा दोस्तों पेमेंट कट गया था, इसलिए मैं एक एक बच्चा गिनवाता हूँ। और दोस्तों, अभी मैं गिनती करूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे गिनती करना है, ऐसे आप भी गिनती कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है, अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर काम करेंगे, तब भी आप लाखों रुपए घर बैठे बहुत आराम से कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार बच्चों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही पैकिंग में बच्चे आते हैं, और ये देखिए, ये छोटे छोटे चिक्स हैं, और अभी इनकी गिनती होना है। दोस्तों, गिनती करने के बाद हम फिर ब्रांडिंग कर देंगे। दोस्तों, फिर ब्रांडिंग जब जहाँ बनाए हुए हैं, सेलिंग जैसा बनाए हुए हैं, वहाँ बच्चों को रख देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पहले दिन बच्चों को क्या दिया जाता है, बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, भैया पहले दिन बच्चों को क्या दिया जाता है, तो दोस्तों क्या दिया जाता है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप ये देखिए दोस्तों, गिनती स्टार्ट हो गई है, और आपको भी एक एक बच्चा गिन के लेना है, और एक एक डब्बा दोस्तों गिन कर आपको ब्रांडिंग में डाल दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, गिनती इधर हो चुकी है, तो बच्चा जो है वो लेके जा रहा है डालने के लिए। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आप एक एक बच्चा गिन कर लीजिएगा, और कंपनी का बच्चा डालिएगा, अपना करने की कोशिश मत करिएगा। कंपनी से दोस्तों आप बढ़िया से कमाइए, बहुत आसानी से आप दोस्तों 50 से 60,000, 70,000, 80,000 रुपये घर बैठे कमा सकते हैं।
दोस्तों हमारे पोल्ट्री फार्म पर लगभग 4200 बच्चे अब की बार आए हुए हैं। दोस्तों गर्मी अगर रहती है तो थोड़ा कम बच्चे मिलते हैं, अगर ठंडी रहती है तो थोड़ा ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों गिनती बहुत तेज़ी से चल रही है, और मैं भी दोस्तों अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी गिनती करता हूँ। ये देखिए दोस्तों कैसे गिनती की जा रही है। दोस्तों इनकी गिनती जोड़ा में किया जाता है, लगभग 17 जोड़ा बच्चे रहते हैं, और 17 जोड़ा दोस्तों उधर दोनों डब्बे में मिला के दोस्तों लगभग 68 बच्चे रहते हैं एक डब्बे में। तो आप देखिए दोस्तों कैसे गिनती की जा रही है, और आप भी ऐसे गिनती कर लीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों गिनती हमारी चल रही है अभी तक, और आप गिनती ज़रूर करिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में बहुत पछताएंगे। गिनती करने के बाद क्या होता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए दोस्तों कैसे डबल डबल बच्चे गिने जा रहे हैं, ऐसे आपको भी गिनती कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती होगी, और मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों बहुत से लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पता नहीं रहता है और पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं और उनको घाटा हो जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सीख लीजिएगा, उसके बाद आप पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करिएगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों बच्चों की लगभग गिनती हो चुकी है, मात्र दो डिब्बा बचा हुआ है और दोस्तों पूरी गिनती हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारी ब्रूडिंग कैसे की गई है, हमने क्या व्यवस्था किया हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिए, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। ये देखिए दोस्तों बच्चों की ब्रूडिंग हो चुकी है, और दोस्तों हमने सेलिंग बना कर रखा है। वैसे दोस्तों भट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए दिन का टेम्परेचर अच्छा होता है, और दोस्तों रात में पॉलीथीन पैक करने से टेम्परेचर बन जाएगा। अगर भट्टी लगाना पड़ा तो लगाएंगे, आज पहला दिन है, अभी हमने भट्टी नहीं लगाया हुआ है, फिर भी 80 पार टेम्परेचर हमारा है, और 80 पार ही टेम्परेचर रहना चाहिए। ये देखिए दोस्तों कैसे हमने ब्रूडिंग किया हुआ है, हमने भट्टी उट्टी लगा कर रखा है दोस्तों, सिर्फ भट्टी जलाना है अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो। अगर टेम्परेचर सही सलामत रहता है तो हम दोस्तों भट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाइलोजन लगा के हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी हमारे तरफ है नहीं, अगर आपके तरफ ठंडी है तो आप टेम्परेचर 80 के पार ही रखिएगा, पोल्ट्री फार्मिंग करिए। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों हमारी ब्रूडिंग हो चुकी है, चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि जब पोल्ट्री फार्म पर बच्चे पहली बार आते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, और आप भी यही देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये देखिए हमने लगभग 75 लीटर मीठा सोडा और गुड़ और अजवाइन, दोस्तों इसको हमने उबाल कर दोस्तों लगभग 5 बाल्टी बना लिया है, और आपको पहली बार बच्चों को यही देना है। इसके अलावा आप कुछ मत दीजिएगा, आप पैरासीटामॉल भी दे सकते हैं अगर आप दोस्तों चाहते हैं तो, पैरासीटामॉल लगभग 15-20 गोली मिला दीजिएगा इसमें और आप दे दीजिएगा। दोस्तों हमने 5 डब्बा बना कर रखा हुआ है लगभग 75 लीटर, और हम दोस्तों लगभग 1-1 लीटर हर डब्बे में भरेंगे, और जैसे आपके पास छोटे वाले ड्रिंकर हों ऐसे आप लगा दीजिएगा। लगभग बोला जाता है दोस्तों कम से कम 5 घंटे ये पानी चलना चाहिए, तो उसी हिसाब से लगाइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों पोल्ट्री फार्म पर बच्चे आने के बाद हम पहली बार उनको मीठा सोडा, अजवाइन और गुड़ दे रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करते हैं कितने बच्चों पर कितना देना है, तो लगभग 5000 बच्चों पर आपको 100 ग्राम मीठा सोडा लेना है, लगभग 5 किलो आपको गुड़ लेना है, और 100 ग्राम अजवाइन, तीनों को आप उबाल लीजिए मिक्स करके। उबालने के बाद दोस्तों आप पानी में मिलाकर बना लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा डब्बा दोस्तों लग रहा है पानी का, और पहली बार पानी में हम मीठा सोडा, गुड़ और अजवाइन और पैरासीटामॉल दे रहे हैं। आप भी ऐसे करिएगा, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमाएंगे, और बहुत आराम से दोस्तों आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों कोई पोल्ट्री फार्मिंग सीख कर नहीं आता है, सब यहीं सीखते हैं। हम दोस्तों जब शुरू में पोल्ट्री फार्मिंग किया हुआ था तो हमको भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ये देखिए दोस्तों ऐसे हम डब्बों को लगा रहे हैं। आप भी दोस्तों ड्रिंकर, छोटा वाला ड्रिंकर लगभग 1 हफ्ते चलेगा, उसके बाद बड़ा वाला ड्रिंकर चालू हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कैसे पानी लगाया जा रहा है बच्चों को, पहले आप पानी लगाइएगा उसके बाद ही दाना डालिएगा। दोस्तों पहले आपको दाना नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों कैसे हम पानी लगा दिए हैं और बच्चे पानी पीना स्टार्ट भी कर दिए हैं।
तो दोस्तों आप भी ऐसा करिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। अपने मन का कुछ मत करिएगा, मैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। दोस्तों पानी हमारा लग चुका है, अब ये देखिए दोस्तों पहली बार आपको बच्चों को ऐसे ही दाना देना है, उसके बाद फिर दोस्तों दाना छींटने के बाद आप छोटे वाले फीडर में दाना भर कर लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आपको दाना ऐसे डालना है, जब बच्चे पोल्ट्री फार्म पर आते हैं तो पहली बार दाना आपको पेपर पर ही डालना है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आप भी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है मेरे नंबर पर आप कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों 7 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, इतना तो आपको हम बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ चुके होंगे और कैसे दोस्तों हमने पहले दिन बच्चों का ब्रूंडिंग किया और कैसे दोस्तों हम उनको दाना पानी दे रहे हैं, पहली बार हम उनको क्या चीज़ दे रहे हैं, ये बहुत विशेष होता है। और आप हमारी सेलिंग देख पा रहे होंगे कैसे हमने पूरा पैक करके रखा हुआ है। अभी हमारे तरफ मौसम थोड़ा ठंडा है तो बच्चे छोटे रहते हैं, तो दोस्तों पहले लगभग 1 हफ्ते तक सेलिंग में रखना पड़ता है और उसके बाद फिर बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे टेम्परेचर रहेगा टेम्परेचर के हिसाब से काम करिएगा, हमेशा आप सक्सेस रहेंगे और पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा पैसा कमाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है। अगर आपको जानकारी समझ में आई है, अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपको पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे।